नमस्कार दोस्तों, मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास करके मैकेनिक लोगों के लिए है, जिनके पास एक्स टूल का PS70 प्रो स्कैन टूल है उनके लिए है। इस स्कैन टूल का पावर बटन अंदर दब गया है और पावर ऑन नहीं हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा कि इसका ये पावर बटन कैसे रिपेयर करते हैं। छोटा सा काम है, इसके लिए आपको ये टूल डीलर के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ये पावर बटन जो है कैसे टिक करते हैं। स्कैन टूल को खोलते हैं। पहला इसको खोलने के लिए आगे पीछे 4, 8, 12, 16 स्क्रू है टोटल, इनको पहला निकालना होगा। चारों कॉर्नर के स्क्रू निकाल दिए और खोलने के लिए इस गैप में पतली ब्लेड डाल के थोड़ा खींचना होगा। तो यहाँ एक कवर थोड़ा निकल आया, इसको बराबर निकाल देते हैं। कवर निकल आया, कवर को रखते हैं साइड। और ये है पावर बटन। इधर इस बटन के नॉब को निकालते हैं, साइड में रखते हैं और यहाँ इस बटन के नॉब में देखो, इस नॉब में एक रबर का पैड है अंदर और ये रबर का पैड ख़राब हो चुका है। स्कैनर को 3 साल हो गए हैं और ये बटन ज़्यादा ऑन ऑफ करके ये पैड दब जाता है और ख़राब हो जाता है। ये पावर स्विच बराबर है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इस नॉब में से ख़राब हुआ पैड मैंने निकाल दिया। इस नॉब को हम अभी मॉडिफाई कर देते हैं। ये सब रबर के टुकड़े पैड के हैं जो ख़राब हो चुका है। तो इस बटन में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। इस नॉब में सेंटर में हमने एक रिफ़िल लिया और रिफ़िल का पिछला हिस्सा थोड़ा कट किया और इस नॉब में डाल दिया है। रिफ़िल का पिछला हिस्सा जितना चाहिए उतना ब्लेड से कट कर दीजिए और इस नॉब में डाल दीजिए। और ये नॉब अभी पावर बटन के ऊपर बराबर बीट रहा है। अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ देखो, बराबर दब रहा है अभी और बटन का हाइट भी थोड़ा ऊपर हो गया। पहला ये नॉब नीचे दब गया था पैड खराब होने के कारण, अभी ऊपर आ गया, बराबर दब रहा है। तो इस छोटे से काम के लिए आपको ये टूल डीलर के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेक्नीशियन लोग हैं, अपने आप ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं एक्स टूल ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम आया तो अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो इसको अभी बंद कर देते हैं बराबर, इसके सभी स्क्रू लगा के। तो अभी यहाँ देखो, पहला बटन कितना दबा हुआ था अब कितना ऊपर आया, अभी दबाने में इजी पड़ेगा। फाइनली इसको ऑन करके देखते हैं और एक 5 सेकेंड दबाने के बाद ऑन हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।